हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो A78 5G फ़ोन है, तो ओप्पो A78 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शंस है, तो ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शंस को ऑन ऑफ करके कैसे आप स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं और कैसे आप होम स्क्रीन वगैरह को रोटेट कर पाएंगे ओप्पो A78 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं और स्क्रीन को रोटेट कैसे कर पाएंगे ओप्पो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शोर हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं और स्क्रीन को रोटेट कैसे कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो सिंपली आपकी फ़ोन की सेटिंग्स से शो हो रही है, तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया। डिस्प्ले सेटिंग्स पर जाकर ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन आ जाएगा, जिसको आपको बस साइड पे क्लिक करके ऑन करना है। और ऑन करते ही जैसे अपने फ़ोन को आप घुमाते हैं तो जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन है ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगी और घूम जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको ऑन करके स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में। एंड आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो आपकी जो फ़ोन स्क्रीन है आपके फ़ोन में रोटेट नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको ऑफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से भी होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं और स्क्रीन को रोटेट भी आप कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में। एंड आप चाहें तो सर्च करके भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं, बस आपको सर्च करना ऑटो रोटेट। तो यहाँ पर सर्च करके डायरेक्टली आप सेटिंग्स पे जा सकते हैं और स्क्रीन रोटेशन को ऑन ऑफ करके स्क्रीन भी रोटेट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।